अगर आप इन्फिनिटी के बारे में नहीं जानते होंगे तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ये काफ़ी छोटा सा जो नेक बैंड है इस तरीके से आपके नेक पे लगेगा। वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो है इस इन्फिनिटी बाई हरमन के ईयरफोन्स का, जो कि बहुत ही धांसू है। आपने कोई अच्छी क्वालिटी का कभी ईयरफोन नहीं सुना होगा तो इसको ज़रूर लीजिए, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। JBL हरमन का ब्रांड ऐसा बोल सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हरमन ब्रांड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन्फिनिटी, JBL, AKG, रिवेल, जितने भी आपने अच्छी कंपनियों के नाम सुने हैं वो हरमन के अंदर ही आते हैं। तो म्यूज़िक के लिए तो हमेशा अच्छी कंपनी का ही खरीदें, क्योंकि अच्छी कंपनी हमेशा ज़रूरी नहीं कि महंगा ही हो। जैसा कि ये इन्फिनिटी का ईयरफोन है, काफ़ी चीप मिल रहा है। तो ये दोस्तों जो सेकेंड या थर्ड प्रोडक्ट हमने बिग बिलियन डे में सबसे पहले जो मिला है हमको, फ्लिपकार्ट थोड़ा फास्ट है अमेज़ॉन के कंपैरिजन में ऑफ़र के समय शिप करने के लिए। तो हम बात करते हैं हरमन के इन्फिनिटी ईयरफोन का। खास बात ये मेटल का ईयरबड है, साथ ही मैग्नेटिक आपको इसमें वायर मैनेजमेंट मिल जाता है, मैग्नेट से चिपकते हैं दोनों, तो काफ़ी ईजी रहता है, मैसी नहीं होता हर कुछ। तो इसके अंदर ग्लाइड N120 मॉडल है ये, इसके अंदर दो तीन मॉडल और आते हैं। पुराना मॉडल है 100N के बिना भी आता है, मतलब ग्लाइड 120, और ये तीसरा मॉडल है ग्लाइड N120। तो ये सबसे अच्छा है तीनों में मेरे हिसाब से। इसमें आप कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, और नेक बैंड वाला ये वायरलेस ईयरफोन है। डीप बेस दिया हुआ है, ड्यूअल इक्वलाइजर सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप बेस को लो फ्रिक्वेंसी वाला साउंड मोड कर सकते हैं, इसमें मोड का ऑप्शन है। 7 घंटे का बैटरी बैकअप है ऐसा इसमें बोला है। माइक भी दिया हुआ है। पीछे देखते हैं वही चीज़ें दी हुई जो मैंने आपको बताई है, मैग्नेटिक केबल मैनेजमेंट, IPX5 स्प्लैश प्रूफ है ये। 3,999 इसका MRP है, 700-800 रुपये 900 रुपये में अभी मिल रहा है, तो ख़रीद सकते हैं। इसके अंदर आपको 3 अलग टाइप के ईयरबड्स मिलेंगे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरीके का पैक होके आता है ये। साथ में आपको USB माइक्रो USB केबल मिलता है जिसके चार्ज करने के लिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और साथ में यूज़र मैनुअल। अब हम निकालते हैं जो मेन चीज़ है, ईयरफोन। अब इतने छोटे से फॉर्म फैक्टर में आपको ब्लूटूथ ईयरफोन मिल रहा है इन्फिनिटी या हरमन की तरफ से। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है ये, अगर मैं फोकस कर पाऊँ इस पर। देखिए मेटल का है और इन्फिनिटी का लोगो है इस पर। शाइनिंग काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे टेक्सचर आप अगर देख पा रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर दिया हुआ है, और रेड और नियॉन कलर में ये आपको मिलेगा। और भी कलर्स अवेलेबल है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसके डिफरेंट कलर्स और प्राइसेस वगैरह भी कितना चल रहा है वो देख सकते हैं और डिटेल्स देख सकते हैं। और ये नेक बैंड है, तो इसमें नेक बैंड में वॉल्यूम का कंट्रोल मिलेगा आपको, और एक शायद कॉल वगैरह का कंट्रोल है। यहाँ पे ही आपको USB का पोर्ट मिलेगा जिस पे आप चार्ज करेंगे, और दूसरी तरफ आपको इन्फिनिटी का लोगो मिल रहा है। तो ये हो गया ईयरफोन के बारे में। तो इसमें मीडियम साइज़ लगा हुआ है, स्मॉल और लार्ज आपको अलग से मिलेगा। तो अब इसको पेयर करते हैं और इसकी क्वालिटी देखते हैं कैसी है। बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी सॉफ्ट सा नेक बैंड है। तो चलिए इसको पेयर करके देखते हैं। तो ये काफ़ी छोटा सा जो नेक बैंड है इस तरीके से आपके नेक पे लगेगा, और जो मैग्नेट है वो आप इसको आप ऐसे अटैच करके ऐसे लटका के रख सकते हैं, आपका ये गिरेगा नहीं ईयरफोन गले से। इसमें छोटा सा हैंडल भी दिया हुआ है ताकि आप इसको पकड़ के कान में लगा सकें। मैंने उल्टा लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ रेड पोर्शन पे लिखा हुआ है, लेफ्ट L लिखा हुआ है इस पर। और आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ये जो इन्फिनिटी लिखा हुआ है ये आपका सीधा आना चाहिए, तो ये इस तरीके से होगा। तो अभी हम सुनते हैं इसकी क्वालिटी। दोस्तों जैसा मैं सुन पा रहा हूँ, भी बेस काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जो वोकल्स हैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन बेस अगर आपको पसंद है तो ये आपको पसंद आएगा। आगे सुनते हैं और आपको डिटेल में लास्ट में बताता हूँ कि मुझे ये कैसा लगा। इसमें दो टाइप के मोड हैं, JBL के स्पीकर में भी होता है, एक लो फ्रिक्वेंसी मोड होता है और एक नॉर्मल मोड होता है। तो मे बी इसमें लो फ्रिक्वेंसी मोड चालू होगा। हम देखते हैं इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, इसके मैनुअल पढ़ते हैं और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसा साउंड है। दोस्तों मेरे को जैसा डाउट था, इसमें डीप बेस शुरू था
मतलब इसको बाय डिफॉल्ट डीप बेस मोड में आता है, तो आप इसमें यहाँ पे अगर आप प्लस और माइनस एक साथ दबाएंगे तो मोड चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल मोड में मुझे काफी क्लैरिटी आवाज़ की लगी जो मुझे डीप बेस मोड में नहीं मिल पा रहा था, और आप भी शायद यही प्रिफर करेंगे जब ये लेंगे। तो क्लैरिटी काफी अच्छी है और नॉर्मल मोड में भी काफी अच्छा बेस है इसका, बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी है। 700-800 में जो भी ऑफर में मिल रहा है तो एकदम फ्री की तरह ये बहुत ही अच्छा इसका साउंड है। अगर आपने कोई अच्छी क्वालिटी का कभी ईयरफोन नहीं सुना होगा तो इसको जरूर लीजिए 600-700 रुपए में, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। इसके बारे में और भी मैंने चीजें पढ़ी तो आपको बताता हूँ। इसमें काफी सारे फीचर्स दिए हुए 700 रुपए के इस ईयरफोन में, और इन्फिनिटी या हरमन का है, तो हरमन काफी अच्छी कंपनी है, सस्ते में मिल रही है, अच्छी बात है अभी ऑफर में, तो आप जरूर लें इसको। मेरे हिसाब से अगर आपको नीड है एक ब्लूटूथ ईयरफोन की तो ये बेस्ट हो सकता है। कोई भी बोट या कोई भी जो लोकल चाइनीज कंपनी है इसके बराबर नहीं आ पाएगा, तो ये हरमन जो है अमेरिका की कंपनी है। बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। इसमें आपको अलग अलग जो फीचर्स मैंने पढ़ के यहाँ जाना है वो बता देता हूँ। उसमें पहली चीज तो ये है कि आप इसमें आवाज़ जो वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन दिया हुआ है उससे नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं पावर बटन से, साथ ही प्लस और माइनस एक साथ जब प्रेस करेंगे तो आप डीप बेस मोड में जा सकते हैं या नॉर्मल मोड में वही बटन प्रेस करके जा सकते हैं। इसके बाद आपको इसी में सीरी और गूगल का जो असिस्टेंस है वो मिल जाएगा। आप अगर पावर बटन को एक बार दबा के दूसरी बार लंबा दबाएंगे तो आपको जो है सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, और ये डिफरेंट टाइप के जो ब्लू एंड रेड कलर का जो एलईडी स्टेटस के क्या मतलब है वो सब दिए हुए हैं इसके मेन्यू में। काफी सारी टाइप के सिग्नल्स इंडिकेटर में दिए हुए हैं, और इस पे आप कॉल उठा सकते हैं जो पावर बटन से कॉल कट कर सकते हैं या साउंड सुन के, तो मुझे बहुत ही मजा आ गया, आपको भी आएगा। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। MRP तो मैंने इसका 4000 रुपीज़ MRP है, आपको 800-900 में अभी मिल रहा है, तो बिल्कुल इसको ले लीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अपने दोस्त के या भाई के लिए ले लीजिए, लेकिन ज़रूर लीजिए इसको, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने अपने सीनियर सर को सुनाया, उन्होंने बोला तुरंत मेरे लिए एक और ऑर्डर करो, तो मैं अभी ऑर्डर करने वाला हूँ, तो आप भी कर लीजिए अपने लिए या अपने फ्रेंड या अपनी फैमिली के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी शॉपिंग, बाय बाय, टेक केयर।